हेलो एवरीवन, अपने एक स्टूडेंट हैं गौरव बागरे, जिनका एसएससी सीजीएल के थ्रू 2023 में एक्साइज इंस्पेक्टर में उनका सिलेक्शन हुआ है, तो काफी खुशी की बात है। तो चलिए पहले उनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन चालू की थी, क्लास में अपनी क्लास टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट में कैसे उनको हेल्प मिला, और क्लास कंप्लीट होने के बाद किस तरह से उन्होंने टाइम टेबल को फॉलो किया जिसके कारण उनका सिलेक्शन हो पाया है। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। यस गौरव बाजी, थैंक यू सर। ठीक है, तो गौरव कैसा लग रहा है आपको? हाँ सर, बहुत प्राउड मोमेंट है ये। प्राउड मोमेंट है आपके लिए तो प्राउड मोमेंट है ही, हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन कब किया हुआ था? सर 2021 में, शायद अक्टूबर या नवंबर की बैच थी वो। 2021 में आपने हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन किया था, और उसके बाद बैच फिनिश हुआ था आपका? हाँ, बैच पूरा। मैंने बैच फिनिश होने के बाद फिर आपने सेल्फ स्टडी करना चालू किया? सेल्फ स्टडी की सर। हाँ ठीक है। हाँ, तो जैसा कि आपको मैंने गाइड किया था या क्लास की तरफ से जो भी हेल्प मिला था, वो कितना आपको हेल्प किया था? हाँ सर, बहुत ज्यादा। जैसे रीजनिंग में तो बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी मुझे, क्योंकि मेरा रीजनिंग थोड़ा सा हमेशा से वीक था। मतलब एक थ्रेशोल्ड पे आके रुक जाता था उसको, मतलब आउट ऑफ 50-45 तक के उससे ऊपर नहीं जा पाता था। तो सर ने, मैंने रीजनिंग तो पूरा डेडिकेटेडली फॉलो किया, मैथ्स में अरिथमेटिक मैंने अच्छे से फॉलो किया, इंग्लिश, जीएस में गौरव सर थे, तो गौरव सर ने भी बहुत हेल्प की जीएस में। तो ऐसे करके धीरे धीरे मेरा स्कोर बढ़ने लगा। पहले मेरा जैसे मान लो प्री में 110-120 तक के आता था, फिर 150 क्रॉस होने लग गया। 6-7 महीने मैंने कोचिंग की, उसके बाद भी मुझे जब डाउट होता था तो मैं आता था, बैठता था वहाँ सर के ऑफिस के सामने जो स्टडी टेबल, वहाँ मैं ये करता था। तो अच्छा एक इन्वायरमेंट था, अच्छे फ्रेंड्स बन गए और बहुत अच्छे से तैयारी हुई। हम लोगों का गाइडेंस आपको कितना हेल्प किया सिलेक्शन में? हाँ सर, हेल्प तो किया, मतलब वही है कि एक थ्रेशोल्ड तक के मैं टच कर गया था, उसके ऊपर जो भी मतलब मेरा जो स्कोर बढ़ रहा था वो फिर वो गाइडेंस ही बढ़ सकता है। हाँ, क्योंकि हाँ, एक पॉइंट पे स्टूडेंट कहीं स्टैग्नेट कर जाते हैं, बट फिर जब टीचर्स बताते हैं कि हाँ ऐसा करो वैसा करो, तो जैसे 2022 का, जैसे कि बीच में आपने लॉकडाउन के टाइम पे आपने कॉल किया था कि सर कैसे करें, ये नहीं हो रहा, तो मैंने आपको गाइड किया हुआ था कि किस तरीके से टेस्ट वगैरह देना है, तो कितना हेल्प किया आपको? जैसे 2020 में जो पैटर्न चेंज हो गया था, तो मैंने सर को कॉल भी किया था कि सर पैटर्न चेंज हो गया है ना, क्योंकि प्रिपरेशन हम लोग पहले के पैटर्न के हिसाब से करते थे। सर ने वही कहा कि सिलेबस वही है, थोड़ा मोटा चेंज हुआ है, बस मॉक टेस्ट देते रहो। जो टारगेट पॉइंट की बुक्स थी वो भी मैंने, खासकर रीजनिंग की मैंने बुक्स अच्छे से फॉलो करी थी, और हाँ तो स्कोर मेरा बढ़ते गया। तो 22 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था एज एन सॉर्टिंग असिस्टेंट, और अभी 23 में मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर पे सिलेक्शन। ओके, तो जो नए स्टूडेंट हैं, हाँ, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप, जो लोग मींस डीमोटिवेट हो जाते हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं रह पाते हैं जी, और कंटिन्यूअस नहीं रह पाते हैं जिसके कारण वो लोग कहीं ना कहीं अपने पास से डेविएट हो जाते हैं और उनको लगता है मेरे से नहीं हो रहा है। तो फिर जो लोग कंटिन्यूअस नहीं रह पा रहे, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि कैसे वो कंटिन्यूअस रह पाए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाए? सर, पेशेंस होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो ये कोई बताता नहीं है कि हाँ हाँ पेशेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बट क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब पढ़ते हैं ना, तो छोटे छोटे टारगेट्स बनाना चाहिए। कभी भी टारगेट्स जैसे महीने का, दो महीने का नहीं करना चाहिए, हफ्ते भर का टारगेट बना लो, वो भी नहीं हो रहा तो एक दिन का टारगेट बनाओ। एक दिन को ही पूरी तरह आप 10 में से शायद 8 चीजें कर पाओगे, बट आप 80% कवर कर रहे हो एक दिन का टारगेट। तो छोटे छोटे टारगेट्स अगर बनाओगे तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और आपको इतना फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होगा। हाँ ओके, ठीक है। तो मुझे लगता है हम ज्यादा इस चीज को लंबा नहीं करेंगे, जो मेन चीजें हैं एक बार आप दो चार पॉइंट बता दीजिए जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब वो क्या क्या करें कि वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। सबसे मेन तो है, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, रेगुलर क्लासेस करो, पूरे डाउट्स सिलेबस के साथ जब पढ़ रहे हो पूरे डाउट सर से क्लियर करो, बाकी टीचर्स से क्लियर करना चाहिए। उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स तो इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा मतलब एसएससी में सिलेक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट तो छोड़ना ही नहीं है,
डे वन से ही मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देना, जितना हो रहा है मॉक टेस्ट दो, एक टॉपिक हो गया उसकी मॉक देना चालू कर दो बस। मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टीचर्स की गाइडेंस सफिशिएंट है। ओके और एक लास्ट पॉइंट, अगर कोई स्टूडेंट टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहा है तो आप उसको रेकमेंड करेंगे किस तरीके से, आप बोलेंगे कि यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल रेकमेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा है कि कभी कोई क्लास मिस नहीं होगी। जैसे आप बाहर देखोगे तो बाहर कभी कभी होता है कि क्लास बंद कर देते लोग या फिर टीचर नहीं आते, ऐसा होता है बाहर, बट यहाँ रेगुलर इंटरवल पे क्लासेस होती है तो कभी आपको वो ब्रेक नहीं होगी, कंटिन्यूटी रहेगी, है ना, तो उससे आपका सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और मटेरियल भी है वो हेल्पफुल है, उसमें बहुत मतलब चुन चुन के सर ने क्वेश्चंस डाले हुए हैं तो उससे भी बहुत हेल्प हो जाएगी, तो बिल्कुल करना चाहिए बिल्कुल। ओके हाँ। तो चलिए गौरव, काफी अच्छा लगा आप आए, और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी आते रहेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है। और जितने भी आपके बैच में जो थे स्टूडेंट जी, उसमें से तो बहुत सारे स्टूडेंट लाइक अभी कुछ प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, कर रहे हैं, और आपके कांटेक्ट में भी है, बिल्कुल, तो उनको भी गाइड करते रहना है, और हम आशा करते हैं कि सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल।